अगर आपको कमर का दर्द है, इस हिस्से में रहता है या नीचे की तरफ रेडिएट करता है, पाँव की तरफ जाता है, आपको नमनेस आती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर हरीश ग्रोवर है। इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, सारे प्रिकॉशन, सारे परहेज, सारी सावधानियाँ या तो पेन कॉपी पे नोट कर लें क्योंकि याद नहीं रहेगा, या दूसरी सूरत में इस वीडियो को 2 से 3 बार आराम से देखिए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये सावधानियाँ बहुत बहुत ज़रूरी हैं। पहले जो कमर का दर्द बहुत कम रहता था, अब कमर के दर्द ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया। ऑलमोस्ट हर घर में किसी न किसी को एक बार कमर का दर्द होता है या किसी को चला जाता है। कमर दर्द का इलाज कमर की सावधानियों में ही छुपा हुआ है। इसको समझने के लिए मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इस तरीके से हमारी कमर में बहुत सारे मणके होते हैं और हमारी कमर में ऐसे 5 मणके होते हैं। हर एक मणके का अपना अपना काम है, रेल की गाड़ी के डब्बे के जैसे होता है ये। तो जैसे कि फोर्स कुछ उठाते हैं हम लोग या कुछ काम करते हैं, तो फोर्स जो है आराम से, यानी फोर्स जो है हम कुछ जोर लगाते हैं, तो जोर जो है बड़ी ही सिंपली ढंग से, बड़े तरीके से ऊपर से नीचे जाता है इस तरीके से। अगर किसी भी मणके में खराबी आ जाती है, फोर्स नहीं जा पाता नीचे, तो वो दर्द करने लगता है। साथ के साथ उसकी मांसपेशियां टाइट हो जाएंगी, अगर नस दब जाएगी उस मणके के बीच में, डिस्क अगर बाहर आ जाएगी तो डिस्क उस नस नस को दबा देगी। नस जो नस दबने की वजह से उसको रेडिकुलर साइन आने लगेंगे, यानी उसकी नस दब जाएगी, उसको नमनेस या दर्द होगा पाँव में, जो कि सियाटिका बोला जाता है। अब इसको बचाया कैसे जा सकता है? सावधानियों को समझने से पहले हम सावधानियों को 6 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला है सोने का, क्योंकि हम 8 घंटे दिन में, घंटों में से 8 घंटे कम से कम सोते हैं, तो सोने का पोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोगों को, कमर दर्द वालों को, उल्टा उल्टे पेट के बल लेटते हैं तब नींद आती है, जब वो पेट के बल सोते हैं। ऐसे करने से कमर का दर्द न कि बढ़ेगा और ठीक भी नहीं होगा। उस केस में सीधा लेटे, हार्ड बेड होना चाहिए, गद्दा बिल्कुल हार्ड होना चाहिए। अगर गद्दा पुराना है आपका, 8 साल से पुराना है, तो गद्दा आप चेंज कर लें। वो सिंक नहीं होना चाहिए गद्दा, क्योंकि हम लेट लेट के गद्दे में अंदर सलवटें पड़ जाती हैं, गद्दा कहीं कहीं से उठने बैठने लगता है, दब जाता है गद्दा। तो एक प्लेन गद्दा होना चाहिए। अगर गद्दा चेंज नहीं करना चाह रहे हैं आप, तो ज़मीन पर लेट जाइए बिल्कुल सीधा, और पाँव के नीचे आप पिलो रखिएगा। इस तरीके से सोइए, पाँव के नीचे पिलो लगा के इस तरीके से सोएंगे, कंफर्टेबल रहेंगे आप। इसमें बैक पे कोई नुकसान नहीं होगा, पल्विस आपका रिलैक्स रहेगा। अगर आपको नींद ऐसे नहीं आती है, तो इसका दूसरा सिंपल तरीका है, आप साइड में करवट ले लीजिए, इस तरीके से घुटने मोड़ के आप सो सकते हैं, लेफ्ट या राइट कहीं पे भी सो सकते हैं आप। तो ये भी एक बहुत आइडियल तरीका है, इससे कमर का दर्द बहुत जल्दी जल्दी ठीक होने लगेगा, क्योंकि तो इसमें पल्विस जो है वो, कमर जो है वो काफ़ी सपोर्टेड रहती है। दूसरा भाग आता है बैठने का। अगर आप टीवी भी देखते हैं तो आराम से सीधा होके बैठिए, झुक के टेढ़ा मेढ़ा होके मत बैठे, सीधा बैठिए बिल्कुल। अगर वो चेयर स्ट्रेट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ छोटा सा छोटा कुशन लगा ले, पिलो लगा ले, और आपको पीछे होके पीठ पे इस तरीके से बैठना है आराम से। टेढ़ा होके बिल्कुल भी ना बैठें और क्रॉस लेग बिल्कुल भी ना करें। टीवी देखने के लिए हमेशा चेयर का यूज़ करें या डाइनिंग चेयर पे बैठें। बेड पे लेट के टीवी बिल्कुल मत ना देखें आप। बैठने पे, बैठने के लिए सोफ़ा बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ना कि कोई नीचे वाली गद्दी हो तब भी यूज़ ना करें, चौकी पे ना बैठें। आपको 90 डिग्री पे बैठना होगा, जहाँ पे आपका कमर और आपका घुटना 90 डिग्री पे बेंट हो, ठीक है? इस तरीके से आप बैठेंगे, इसमें आपका घुटना और कमर पूरा सपोर्टेड है। बहुत नीचे या बहुत ऊपर वाले में ना बैठें आप, उसमें आपका कमर का दर्द दोबारा बढ़ सकता है। आप वर्किंग हैं, आप काम करते हैं, आपको ऑफिस में बैठना होता है, लैपटॉप पे बैठना होता है, उस केस में आप ये करें कि एवरी 45 मिनट्स, हर 45 मिनट में उठना है आपको, 1 घंटा हर घंटे में उठ जाइए, इधर उधर घूमिए, थोड़ा बालकनी वगैरह में जाइए, घर में थोड़ा 1-2 चक्कर लगाइए 2 मिनट के लिए, अपने आप को रिलैक्स करिए। लगातार 2-3 घंटे काम ना करें। लगातार बैठने की वजह से होता क्या है कि माइक्रो टियर आता है, माइक्रो ट्रॉमा आता है, माइक्रो कंप्रेशन आता है, उससे डिस्क दबने लगता है, ठीक है? तो एंड ऑफ द डे, मतलब 5 से 6 बजे के बाद में, 6 बजे के बाद में आपने रियलाइज़ किया होगा कि आपको सोरनेस आने लगती है, आपके ग्लूट्स में टाइटनेस आने लगती पीछे की तरफ, तो एक बहुत बड़ा कारण है। तो ब्रेक लेना हर 45 मिनट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा भाग आता है खड़ा होने का, खड़ा होके काम करना। पहली बात तो झुकें बिल्कुल भी नहीं, अगर आपको कमर दर्द है तो फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उस केस में न्यूरल कंप्रेशन होगा, नस पे दबाव आएगा, आपका दर्द बढ़ जाएगा, तो फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल भी ना करें। दूसरा केस में कोई पुलिंग पुशिंग ना करें, सामान शिफ्ट ना करें, 2 किलो 2 केजी से ज़्यादा भारी वजन ना उठाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ग्रोसरी उठाया है, बच्चा उठाया है झुक के,
तो ये कमर दर्द को दोबारा होने को न्योता देगा फॉर श्योर। उस केस में आप झुकें बिल्कुल भी नहीं। चौथा भाग आता है खांसना छींकना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कमर दर्द होता है, शियाटिका होता है, डिस्क बल्ज होता है। अगर आपको छींक आती है तो अगर आप इस तरीके से आगे की तरफ खांसेंगे छींकेंगे तो आपका डिस्क पे प्रेशर आएगा, न्यूरल कनाल कॉम्प्रोमाइज होगा, तो आपको दर्द आएगा। तो खांसने छींकने का तरीका इस तरीके से, बिल्कुल खांसे नहीं, इससे दर्द आपका दोबारा आएगा। तो खांसने छींकने के लिए पेट को इस तरीके से पकड़िए और घुटनों को बेंट करिए हल्का सा, इस तरीके से खांसे, इस तरीके से आपको कमर पे दबाव बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपको कमर का दर्द रहता है तो लॉन्ग ड्राइव बिल्कुल ना करें, खासकर अगर आपकी लेफ्ट की टांग में दर्द आता है तो क्लच वाली जो गाड़ी होती है वो आपके दर्द को दोबारा दोबारा बढ़ा सकती है, बार बार बढ़ा सकती है। आपने रियलाइज भी किया होगा कि आप जब लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो आपका दर्द बढ़ जाता है, तो लॉन्ग ट्रैवल से बचिए। अगर करना भी पड़े गाड़ी तो ड्राइव ना करें, सीट पे बैठिए और ब्रेक में बीच बीच में ब्रेक लीजिए। अगर आपको मजबूरन ड्राइव करना पड़ रहा है तो उस केस में हर 1 घंटे में गाड़ी से निकलिए, थोड़े पाँव को हल्का करिए, गाड़ी के 2 चक्कर लगाइए इधर उधर, ठीक है, थोड़ा हल्का हल्का ब्रीदिंग प्राणायाम करें, ठीक है, गर्दन घुमाइए थोड़ा सा, अपने आप को, अपने टमी को घुमाइए, अपने थोड़ा कमर को घुमाइए, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करिए, और एसी को बीच बीच में बंद करने की कोशिश करिए गाड़ी को। क्योंकि अगर टेम्परेचर बिल्कुल कम रहता है, अगर टेम्परेचर आप गाड़ी का लगातार चला के रखते हैं तो उससे अकड़न आएगी आपकी बॉडी में, आपको सोरनेस आएगी, तो दर्द बढ़ जाएगा आपका। बाइक या स्कूटी कमर दर्द में बिल्कुल भी ना चलाएं, दोनों ही सेफ नहीं है। बाइक या स्कूटी से झटके लगेंगे, कमर दर्द वापस आ जाता है। अगर दोनों में कंपैरिजन करूं मैं, अगर आपको चलाना पड़े तो स्कूटी से ज़्यादा बाइक थोड़ी सेफ रहती है, तो स्कूटी बिल्कुल भी ना ड्राइव करें। छठा भाग, छठी गलती जो हम आमतौर पे करते हैं ब्रश करते टाइम। तो अगर आपको कमर दर्द है तो ब्रश जो है इस तरीके से बिल्कुल ना करें, सिंक को पकड़ लें हाथ से और हल्के घुटने बेंड करिए, इस तरीके से ब्रश करिएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कमर दर्द सुबह होता है, जब हम उठते हैं तो हमारी कमर रिलैक्स रहती, कमज़ोर रहती है, उस टाइम नहाने के टाइम और ब्रश करने के टाइम झुकना बिल्कुल भी नहीं है, बकेट से ना नहाए, शावर से ही नहाइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट सातवां इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आप वर्किंग है, आपको ऑफिस जाना होता है, तो स्पोर्ट्स के शूज़ पहनिए, कोशिश करें स्पोर्ट्स के शूज़ पहने, या आप अगर हील पहनती हैं तो हील बिल्कुल ना पहने, स्पोर्ट्स से ही शूज़ पहनिए। क्योंकि टाइट कपड़े पहनने से, टाइट बेल्ट लगाने से, जो आपका पेंट वाला बेल्ट होता है, और लेदर के शूज पहनने से, हार्ड सोल वाले, उससे भी आपका दर्द आएगा। तो कंफर्टेबल शूज पहनिए, कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, उससे भी दर्द काफी कम रहेगा आपका। हाँ, फिजिकल रिलेशनशिप, जब तक आपका 70% तक दर्द कम नहीं हो जाता तब तक आप फिजिकल रिलेशनशिप ना बनाइए, जब सब 70% तक बेटर हो जाए देन यू कैन थिंक अबाउट इट। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये जानकारी सब लोगों तक पहुंचाई जा सके। कनाल प्लस का बहुत बहुत शुक्रिया।